आज के टाइटल से भाइयों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ड्यूक 390 के रिव्यू के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ओनरशिप रिव्यू है, मैंने ख़रीदी थी 23 अगस्त 2017 में ये, और ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ इसको। उसके बाद के इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, वो आपको कुछ जो मेरे को लगा वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो को आखिरी तक देख के जाना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल का घंटा दबा देना, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो आएगी मिलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, गंदी हो रही है बहुत, इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने कर दिया है सारा का सारा फ्लोर गीला, लेकिन कहीं खोपचे में चलते हैं जहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रोज हैं और बहुत सारे कॉन्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रो है वो भाई इसकी लुक है। अगर आप ड्यूक 390 खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड द बेस्ट रीज़न वुड बी द लुक्स। इसकी जो फ्रंट लाइट्स है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और जो ऑरेंज कलर है वो भाई प्रॉपर हेड टर्नर है। तो ये समझ लीजिए आप, अगर ये बाइक ले लिया ना तो सामने वाला बंदा मुड़ के ज़रूर देखेगा। एक मिनट के लिए भी ये बाइक यहाँ पर खड़ी करी थी मैंने, और ये चलती हुई रोड है, और यहाँ पर से कम 20 बंदे इसको मुड़ के देख के जा चुके हैं। आई नो छोटी बाइक है, लेकिन हेड टर्नर है भाई, हेड टर्नर है। 2.7 लाख के अंदर ये बहुत ही अच्छी वेट टू पावर रेशियो प्रोड्यूस करती है भाई। ये समझ लीजिए 373 सीसी इंजन है, और जो पावर प्रोड्यूस करती है वो करती है 43 हॉर्स पावर, घोड़ा शक्ति 43। अगर इसी सेगमेंट में देखा जाए तो जो बुलेट 500 सीसी है वो 26.1 बीएचपी प्रोड्यूस करती है, बीएचपी हॉर्स पावर घोड़ा शक्ति भाई, और डोमिनार 400 वो 34.5 घोड़ा शक्ति प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए इस सेगमेंट में ये बहुत 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 अच्छी बाइक है। ना जो फ्रंट डिस्क दे रखे हैं भाई इसके अंदर वो 320 mm के दे रखे हैं, और जो बैक पे रियर डिस्क है वो 230 mm के दे रखे हैं, और ABS के साथ है बेसिकली। तो कई बार ऐसा हुआ है, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि आगे से कुछ ना कोई व्हीकल आता है और इसके ABS ने मुझे बहुत तरीके से बचाया है। ABS का वर्क क्या होता है वो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एकदम से ब्रेक नहीं लगते हैं, थोड़ा रुक रुक के लगते हैं ताकि बाइक स्लिप ना हो, और इस बाइक के अंदर वो बखूबी नहीं पाता है। जो नेक्स्ट प्रो है इसका वो है इसका डिस्प्ले मीटर। जो डिस्प्ले मीटर इस हिसाब से लगा हुआ है जैसे कि एक मोबाइल की टच स्क्रीन हो, हालांकि टच स्क्रीन नहीं है। इसके अंदर से आप फ़ोन को उठा सकते हैं, हालांकि आपको बाइक रोकनी पड़ेगी या फिर यू शुड बी वेयरिंग एयरफोन्स उसके लिए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं दिखाता हूँ कैसी डिस्प्ले है। और पसीना आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज थोड़ा लेट उठे थे। तो भाई जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है वो है इसका सस्पेंशन, जो मेरे पीछे आपको गोलाकार दिख रहा है भाई, स्क्रू सस्पेंस आप ये दिस वन, ये इसका प्रीलोड सस्पेंशन है। ये एडजस्टेबल है, 21 के अंदर इसका पार्ट दे रखा है जिससे आप इसको ऊपर और नीचे मतलब लूज़ और टाइट कर सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट है अगर आपका वेट ज़्यादा या फिर कम है, या फिर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, या फिर हाई स्पीड पे चलाना है, तो इसको एडजस्ट करके यू आर वेरी गुड टू गो, और आपकी राइड क्वालिटी में आपको बहुत फ़र्क लगेगा अगर आपने इसको एडजस्ट करा है। नाउ इसका एक और चीज़ बताता हूँ, नॉर्मली क्या होता है स्पोर्ट्स बाइक में सीट बहुत 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 अनकम्फर्टेबल होती है, लेकिन इसकी सीट मैंने लगभग 200-250-300 वाली राइड करी है, उसके अंदर भी मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई इसके अंदर मुझे दूसरी सीट बदलवाने की ज़रूरत है या फिर किसी कुशन की ज़रूरत है। हालांकि आई नो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स पे 1000-2000 किलोमीटर्स पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टिल नाउ मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, हालांकि स्पोर्ट्स बाइक दिखती है, नेकेड बाइक है, और जैसे अपाचे 310 RR आई है उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि
ये वाली बाइक की सेल थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑफ रोडिंग पर बहुत 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 मदद करती है आपकी, तो इसीलिए इसका इस पार्ट पे बेनिफिट है आपको कि ऑफ रोडिंग में आप इस बाइक को लेके जा सकते हैं। लेह लद्दाख के लिए ऐसा महसूस किया जाता है कि हमेशा बुलेट ही अच्छी है, लेकिन ड्यूक 390 आपका पूरा साथ देगी। हालांकि मैं लेह लद्दाख नहीं गया हूँ इसके ऊपर, लेकिन ऑफ रोडिंग करके देखी है मैंने, तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि इसके शॉकर्स मेरी मदद ना कर रहे हों बाइक के ऊपर बैठ के, या फिर बहुत झटके लग रहे हों। बहुत स्मूथली जाती है, बिल्कुल भी महसूस नहीं होते खड्डे तो इसमें। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट, इवन एट 120, 130, 140 की स्पीड पे इसकी हैंडलिंग बिल्कुल 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 सही है, कोई इशू नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि गाड़ी वॉबल कर रही है, या फिर जब ब्रेक लगाने हो तो ऐसा लगता है कि भाई अनसेफ है आदमी। मैंने इसको अभी तक 145 की स्पीड तक चलाया है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हैंडलिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि इसमें किसी चीज़ की हैंडलिंग की कमी है अकॉर्डिंग टू द वेट एंड पावर। नाउ अब बात करते हैं इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में। मैंने ये बाइक इस वजह से नहीं ली थी कि मैं फ्यूल एवरेज देखूं, लेकिन स्टिल कितनी एवरेज देती है सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है ये। तो भाई अगर आप नॉर्मल इसको सिटी में चला रहे हो तो आपको 20 से 25 की एवरेज मिलेगी, जो कि मैंने देखा है। और अगर इसको हाईवे पे कंटिन्यूसली स्पीड पे, मतलब 80 टू 90 अगर आप चला रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर 30 से 35 की एवरेज मिल जाएगी। उसके लिए आपको बस एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना पड़ेगा, कम ब्रेक मारने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, इसकी कोई भी ड्यूक 390 हो या फिर कोई भी बाइक हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज कैसे निकाली जाए आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये तो थे प्रोज इसके, अब इसके जानते हैं कॉन्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं अच्छी अच्छी ड्यूक 390 के बारे में, ये यहीं तक वीडियो देख के जाओगे तो आपको पता चल, आप ज़रूर ख़रीद लोगे। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं बहुत सारे, वो ज़रूर देखिए कि क्या क्या है इसके कॉन्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेजर कौन है भाई, अनस्टेबल आरपीएम। बताऊंगा नहीं, दिखाता हूँ व्हाट इज़ अनस्टेबल आरपीएम। इसको थोड़ा ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है भाई, ये आरपीएम दिख रहा है आपको, ये स्टेबल नहीं है। ये देखो ये बार बार ही कम ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से राइड क्वालिटी में बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इसको क्लच छोड़ के और इसको स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे छोड़ दूँ कि मेरे को स्लो चलानी है या फिर 100 की स्पीड पे चलानी है, तो इसका आरपीएम ऊपर नीचे होता रहेगा और उसकी वजह से बहुत 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 इशू आता है। तो KTM वालों, अगर आप सुन रहे हो तो इसके प्लीज़ मीटर में या फिर इंजन में जो आपने सुधार करना है वो कीजिए, बिकॉज इतना अनस्टेबल आरपीएम अगर हम इस तरीके से चलाएंगे बाइक को तो इशू आना ही आना है। बिकॉज़ ज़्यादा स्पीड पे अगर एक्सीलेटर को छोड़ दूँगा तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती है बाइक, और उससे राइडिंग क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है और मज़ा भी थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉन है ना इसका, वो बहुत ख़तरनाक है, और ये है भाई इसके नट बोल्ट ना KTM वालों ने बहुत लूज़ छोड़ रखे हैं। मतलब ये समझ लीजिए आए दिन कुछ ना कुछ इसका लूज़ होता ही रहता है, ऑलमोस्ट किसी ना किसी दिन पे। मैं दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ये है, ओह रुको, लेग गार्ड, ये मैंने अभी चेंज कराया है। और चेंज कहाँ से कराया है, यहाँ पर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा क्रैश गार्ड चेंज का, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। इसका जो स्टॉक का क्रैश गार्ड था वो लूज़ हो गया था अपने आप, बगैर एक्सीडेंट के, बगैर किसी चीज़ के लूज़ हो गया था। और वो लूज़ हो के आगे की साइड टच हो रहा था, और मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जो इसका स्टॉक क्रैश गार्ड आता है, लेग गार्ड आता है, वो लूज़ हो गया था। लूज़ क्या हो गया था, उसका नट ही निकल के गिर गया था अपने आप ही। और ये समझ लीजिए वो रेडिएटर को टच कर रहा था, और ज़्यादा कुछ टच करता तो ऑयल होने, लीक होने का पूरा चांस था। इसी वजह से KTM वालों प्लीज़ भाई ध्यान रखिए। ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, MS के व्लॉग के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी,
और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ, जैसे कि JS Films, उसके साथ भी भाई, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी, उसका कुछ ना कुछ ढीला हो गया था। एक और चीज़ है, जैसे कि ये देखिए ये भी इसका नट एक निकल के गिर गया है अपने हिसाब से। मुझे नहीं पता कब गिरा है, कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है, लेकिन गिर चुका है ना। जो मेजर प्रॉब्लम मुझे इसमें महसूस हुई है ना, वो ये है भाई कि हीट बहुत फेंकती है। ऑल्दो एक इसका बेनिफिट भी है, जैसे अगर आप हार्ले डेविडसन लोगे तो उसकी इंजन की हीट डायरेक्ट ऊपर की साइड फेंकती है, जिससे कि डायरेक्ट आपके फेस पे, लेग्स पे, इनर थाइस पे बिल्कुल गर्मी महसूस होती है। इसके अंदर आपके टोज़ के पास हीट, इंजन हीट को फेंकता है, और ये ना घड़ी घड़ी ऑन हो जाता है। ये समझ लिया, आई नो बड़ा इंजन है, और कई लोग कमेंट भी करेंगे नीचे कि भाई तूने, अगर इंजन वाली प्रॉब्लम ही थी तो तूने बाइक क्यों खरीदी। लेकिन ये इशू है इसके अंदर, और जो मेन इसका इशू है वो ये है भाई कि ट्रैफिक में जाओ ना, इसका रेडिएटर ऑन हो जाता है, और रेडिएटर ऑन क्या होता है, शोर समझ जाता है और सारी दुनिया तुम्हें देखने लग जाती है। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा इशू है। और इसी के साथ प्रॉब्लम किसको होती है, पिलियन को। अगर पिलियन आपके पीछे बैठा है ना, तो उसकी लेग्स पे बहुत एकदम से हीट फेंकी जाती है। इवन दो अगर वो आप स्लो स्पीड पे चल रहे हो, थोड़ी सी भी फास्ट चल रहे होगे, तो भी डायरेक्ट हीट पिलियन के, पसीना आ रहा भाई, बहुत गर्मी है, प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को। हाँ तो आगे चलते हैं। तो ये समझ लीजिए पिलियन को भी लेग्स पे गर्मी लगने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट हीट लेग्स पे ही थ्रो होती है इसके इंजन की। अगर आपको इससे बचना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है भाई, शूज़ पहन के रखिए, सॉक्स पहन के रखिए, और फुल जीन्स पहन के रखिए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो इंजन ख़राब हो जाएगा। रेडिएटर का ऑन और हीट को इंजन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एक जो मेजर इशू है वो बहुत सारे बाइकर्स को ड्यूक 390 में महसूस हुआ है, वो ये है भाई कि इसका जो डिस्प्ले है उसमें ग्लिचेज़ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ भी क्या हुआ है, मैं उसको शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम जब ये हुआ था मेरे पास कैमरा नहीं था। तो इसके अंदर क्या आता है, जो डिस्प्ले पे है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में किल स्विच देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। किल स्विच का मतलब है कि मैंने अभी इग्निशन वाला बटन ऑफ कर रखा है तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। डिस्प्ले होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब इसके अंदर मेरे को 2-3 बारी ECU फेलियर आ चुका है। ECU फेलियर कब आता है, 90% जब आप इंजन को ज़्यादा दौड़ा रहे हो, ज़्यादा तेज़ चला रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है, तो नॉर्मली आ जाता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि 3 बारी आया है मेरे पास, और जब भी 3 बारी जब आया है, जब मैंने लॉन्ग राइड पे गया हूँ या फिर बहुत तेज़ बाइक चला रहा हूँ, तो नॉर्मली ECU फेलियर आ जाता है। ECU फेलियर में होता क्या है भाई, ECU फेलियर होने के बाद एक बार तो मेरी डिस्प्ले ही उड़ गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन मैंने एक बार स्विच ऑफ करा बाइक को, फिर ऑन करा चाबी से, तो वापस सही हो गई वो। तो प्लीज़ KTM वालों भाई ध्यान रखिए इसका। मेन एक और चीज़, इसके डिस्प्ले का ग्लिच एक मेन जो मुझे पता चला है वो ये है भाई कि ABS फेलियर बहुत जल्दी दिखा देता है। ABS फेलियर मेरे साथ 2 बार ही हुआ है, एक तो अपनी मर्ज़ी से बारिश के अंदर हो गया था, और दूसरी बार जब हुआ था जब मैं इसके ऊपर बर्नआउट मार रहा था, बर्नआउट करते करते ABS फेलियर दिखाने लग गई बाइक। मे बी इट वॉज़ माई फॉल्ट, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो मेन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो ये है भाई कि शॉर्ट राइडर के, अगर आपकी हाइट 5 है, 5'1 है, 5'2 है, 5'5 तक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस बाइक में, बिकॉज ये थोड़ी सी हाइट वाले लोगों के लिए है। जैसे मैं 5'7 हूँ, तो मेरे भी अगर मैं इसके प्रीलोड सस्पेंशन को 5th पॉइंट पे सेट करता हूँ, तो मेरे भी सिर्फ टोज ही टच होते हैं। इनिशियली मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद वो सही हो गई। सो भाई अगर आप लोगों की हाइट 5 से 5'4 है ना, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई और बाइक को देखिए, क्योंकि ट्रैफिक में मेन प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक पे हो गए तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, कभी पैर इधर रखना पड़ेगा, कभी उधर रखना पड़ेगा, और हीट इतनी फेंकती है बाइक, तो ये समझ लीजिए प्रॉब्लम बहुत होगी। इसलिए शॉर्ट राइडर्स के लिए ये बाइक नहीं बनी है। 5'6", 5'7", 5'8 उससे थोड़ी लंबी हाइट है, तो लंबे हाइट वालों को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 5'6 से अबव को कंफर्टेबल रहेगी, 5'6 से नीचे वालों को
थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि अनकंफर्टेबल रहेगी। जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई वो ये है भाई कि जब 120 या फिर 120 से अबव की स्पीड पे चला रहे हो तो सामने से जो विंड आती है ना वो आपको पीछे की साइड धकेल देती है। इससे पहले वाले वर्जन में 2016 वाले ड्यूक में ये वाला नहीं था प्रॉब्लम, बिकॉज उसके अंदर आगे वाइज़र लगा हुआ था। इसके अंदर वाइज़र तो लगा ही नहीं हुआ है तो उस वजह से थोड़ा सा इशू आता है। हालांकि आफ्टर मार्केट वाइज़र लगवा सकते, लेकिन अगर ड्यूक ही KTM वाले ही लगा के दें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि 120 के बाद इसकी जिस हिसाब से इसका इंजन है 120 तो नॉर्मली पहुंच ही जाती है आराम से। तो उस स्पीड पे अगर आपको विंड पीछे की तरफ धकेल रही है तो थोड़ा सा तो यार महसूस होता है कि अनसेफ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। जो मुझे लगा भाई वो बता रहा हूँ, जो अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो लास्ट पॉइंट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं कसौली गया था, इसके ऊपर जो स्टैंड दे रखा है ना वो स्ट्रेट दे रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो खड़ी करने में थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि बाइक गिर ना जाए। हालाँकि अभी तक बाइक गिरे नहीं है, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो आपको बता रहा हूँ। So that's it for today. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to hit the like button and subscribe the channel. ऐसी सी informative वीडियो और मेरी थोड़ी सी lifestyle travel videos मैं डालता रहता हूँ। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज़ मी मोहित साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।